हेलो फ्रेंड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप लोगों का वेलकम हो। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कलर रिजोल्यूशंस और भी बहुत कुछ। तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का प्लेलिस्ट दिया है लिंक, उस पर आप लोग क्लिक करें और उस लिंक में आप पार्ट टू वीडियो देख लीजिए। तो आज की वीडियो में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक पेज नेविगेशन और दूसरा जो होगा लेआउट कस्टमाइजेशन। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि लेट सपोज हम एक काम करें, हम एक बुक बना रहे हैं और उस बुक में बहुत सारे पेजेस हैं, 100 पेजेस हैं 200 पेजेस हैं, ठीक है। तो या फिर और जितने भी हो, तो इस टाइम हम मैं लेट सपोज कर देता हूँ, मैं एक बुक बना देता हूँ, उसमें 4 पेजेस है, एक फ्रंट पेज है, एक बैक पेज है और उसके बीच में 2 पेजेस है, ठीक है। तो उसकी कस्टमाइजेशन कैसे करनी है, पेज नेविगेशन कैसे करनी है, उसमें आप लोगों को बताऊंगा। पिछली वीडियो में ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस किए थे, पेज नेम कस्टम ये सब कुछ किया था। अब यहाँ से आप पेज सेलेक्ट करते हो कि मैं कितने पेजेस ऐड करना चाहता हूँ। लेकिन आप अगर लेट सपोज आप भूल जाओ, अब मैं भूल गया हूँ, तो परेशान होने की कोई बात नहीं, आप बाद में भी ऐड कर सकते हो। तो इसके बहुत सारे तरीके और तमाम तरीका भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहला तरीका तो ये है कि आप इस चीज़ पे क्लिक करो, ये जो आपके पास ये आप दिख रहा है इस पे क्लिक करो तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप लेआउट में आ जाओ और लेआउट में इंसर्ट पेज जो लिखा हुआ है इस पे क्लिक करो तो एक पेज आपसे पूछता है बिफोर या आफ्टर, तो मैं कहता हूँ आफ्टर, ठीक है। एग्जिस्टिंग पेज 2 है हमारे पास, सारा सब कुछ ये बताता है और ये आपसे पूछता है कि वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टली, तो वर्टिकल ही हो, ठीक है। तीसरा तरीका ये है कि आप इस पर राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद देख इंसर्ट पेज आफ्टर या बिफोर, तो आफ्टर। तो ये तो पेजेस ऐड करने का तरीका था, आप लोगों को मैंने बता दी। अब यहाँ पर आते हैं, एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, जब आप पेज 1, पेज 2 या पेज 3 पे जाते हो, जस्ट सिंपल यहाँ क्लिक करके जा सकते हो। लेकिन इसके एक और भी तरीका है, यहाँ पर जब आप 1 और 4, लेट सपोज कर लो कि आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं, 200 पेजेस हैं, तो 200 पेजेस में ये जगह बहुत सारी लंबी हो जाती है और फिर इसका नेविगेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करो कि आप यहाँ पर आओगे और इसके यहाँ पर डबल क्लिक कर लोगे। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पर आप उस पेज का नंबर दे दो जिस पेज को आपने ओपन करना है और जस्ट ओके कर लोगे तो ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ 2 कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो देखो सेकंड पेज ओपन हो गया, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ है, यहाँ पर मैं आता हूँ राइट क्लिक कर देता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद देखो दोस्तों मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करूँगा कि जितने भी पेजेस पे आप काम करते हो उन तमाम पेजेस को अपना अपना एक नाम दे दो, तो वो आपको याद रहेगा कि मैं आप फ्रंट पेज पे काम कर रहा हूँ, बैक पे या बीच के 2 पेजेस पे कोई भी। तो अब ये मेरे पास फ्रंट पेज है तो इसको मैं रीनेम कैसे करूँगा, राइट क्लिक कर लूँगा, राइट क्लिक करने के बाद रीनेम पेज और यहाँ से मैं उसका नाम दे दूँगा, तो ये FROnt फ्रंट पेज नाम इसको मैंने दे दिया, ठीक है। देखो दोस्तों इसका नाम चेंज हो गया। सेकंडली इसका भी मैं सेम टू सेम इसका नेम चेंज कर लूँगा, इसका दरमियान का पेज है तो इसको मैं P1 दे दूँगा जो मुझे याद रहे, और इसको मैं P2 दे दूँगा कि मुझे याद रहे, ठीक है P2। और ये जो दूसरा लास्ट वन पेज है ये हमारे पास बैक पेज होगा, तो इसको राइट क्लिक करके मैं बैक क्लिक दे रहा हूँ, BACK। तो अब मुझे इस तरह पता चलता है कि ये फ्रंट पेज है, ये बैक पेज हो, इसके दरमियान 2 पेजेस हैं, ठीक। इसमें एक और चीज़ है, इसमें राइट क्लिक कर देता हूँ, आप लोगों को आता है इंसर्ट पेज का बता दिया, इंसर्ट पेज आफ्टर, इंसर्ट पेज बिफोर, इसका मतलब ये है कि आगे पीछे ऐड को पेज को ऐड करना, ठीक है। अब इसका क्या है, इस कमांड का मतलब है कि मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि मुझे क्या करना है, इस पेज का डुप्लीकेट बना के दे दो, सेम टू सेम एक दूसरा पेज इसी तरह के मुझे बना के दे दो, तो यहाँ से होता है, इस पेज को डिलीट कर लो तो यहाँ से होता है, स्विच द पेज ओरिएंटेशन मतलब ये वर्टिकली है तो अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये हॉरिजॉन्टली हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको वर्टिकली ही रहने देता हूँ, यहाँ से हो गया। अब इसके बाद एक और चीज़ को हम डिस्कस करते आते हैं लेआउट में, तो लेआउट में भी सेम टू सेम यही चीज़ें हैं, देखो इंसर्ट पेज, डुप्लीकेट, रीनेम, डिलीट पेज और गो टू पेज। जिस तरह मैंने आपको यहाँ बताया था कि आप यहाँ पर डबल क्लिक करके एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाती है, तो सेम टू सेम यहाँ पर भी गो टू पेज में होता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो क्या है, वो है इंसर्ट पेज नंबर, मतलब पेज नंबर मुझे क्या करो इंसर्ट करके दे दो, तो ऑन ऑल पेजेस, तमाम पेजेस पे मुझे नंबर चाहिए, या सिर्फ ऑन ऑल ऑड पेजेस, ऑड इवन तो आप लोगों को पता होगा 1, 3 एंड 5, 7 इस तरह के पेजेस पे मुझे नंबर चाहिए,
तो यहाँ पर ऑल आउट पे आप लोग नंबर क्लिक कर सकते हो। तो मैं ऑल पे कर देता हूँ तो ऑल सब पे नंबर्स आ जाएंगे। ये देखो उसके नंबर्स आ गए। दूसरी बात, इसकी सेटिंग्स में आते हैं, पेज में आ जाओ, लेआउट में आ जाओ। तो देखिए यहाँ से आप पेज नंबर सेटिंग पे आप लोग क्लिक कर लोगे तो यहाँ से देखो स्टार्ट एट नंबर वन, स्टार्ट नंबर वन से होना चाहिए, स्टार्ट ऑन पेज वन, पेज वन से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, अब इनका स्टाइल क्या होना चाहिए यहाँ से आप लोग क्लिक कर सकते हो, कोई भी रोमन वन टू या ABC या कोई भी आप इसमें स्टाइल चूज़ कर सकते हो। मैं ये चूज़ कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब यहाँ आ गया है, देखिए दोस्तों यहाँ अब ये नंबर टू आ जाए तो इसका टू, इसके आ जाओ थ्री और इसके आ जाओ फोर। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद आते हैं पेज लेआउट में आते हैं। यहाँ से मैंने आप लोगों को स्विच पेज ओरिएंटेशन ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया कि किस तरह ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी मैं इसको फिर से वर्टिकली कर देता हूँ, ये देखो वर्टिकली हो गया। तो इसके बाद एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, मैं लेआउट में आता हूँ। पेज नंबरिंग हो गया था, यहाँ पे आते हैं डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे, मैं क्लिक कर देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट ऑप्शन में ये बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है। सबसे पहले जनरल में है, तो जनरल में कुछ खास नहीं है, हॉरिजॉन्टली इसका यही साइज़ है और वर्टिकली भी इसका यही। अगर आपको बाय डिफॉल्ट आपसे कोई मिस्टेक हुआ हो तो आप यहाँ से पेज साइज़ इसका चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद पेज साइज़ में आते हैं। तो पेज साइज़ में क्या होगा, लेबल प्रेजेंट है या पेज साइज़, तो इस तरह लेबलिंग प्रेजेंटिंग या पेज साइज़ यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से लेटर है और यहाँ से हाइट और विड्थ आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से फिर से वही स्विच पेज वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में, और यहाँ से आप फ्रेम को ऐड कर सकते हो। ऐड फ्रेम पर आप क्लिक करके इसका फ्रेम ऐड कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल अभी ये नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम सिखा देंगे आपको कि क्या मसला था, और ये इतना ज़रूरी भी नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं लेआउट में। तो लेआउट में क्या होता है कि यहाँ से फुल पेजेस बुक है आपके पास, क्या चीज़ है, फुल पेज है, बुक है, बुकलेट है, जो भी आपके पास है। तो मैं फुल पेजेस ही कर देता हूँ, बुकलेट बुक वगैरह नहीं करता। यहाँ से जो फेसिंग पेज है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, फेसिंग पेज पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो मेरा बुक है वो किस फॉर्म में दिखेगा तो वो मुझे दिखा दें। तो कहते हैं लेफ्ट से ओपन हो जाए या राइट साइड से हो जाए, तो राइट से ही अब मैं उसको ओके कर देता हूँ, अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये इसका फर्स्ट पेज है, जो फ्रंट पेज है इस तरह दिखता है। अब मैं टू पे आता हूँ तो देखो ये कुछ इस तरह ओपन हो गया, अब ये इसका थर्ड पेज इस तरह हो गया, और इसका फोर्थ पेज देखो अब ये बंद हो जाएगा। देखो 1 2 3 4, देखो इस तरह जिस तरह बुक ओपन होता है वो बंद होता है। तो यहाँ से मुझे ये दिखाता है। फिर से आता हूँ मैं डॉक्यूमेंटेशन में और बैकग्राउंड में आता हूँ। तो मैं बैकग्राउंड अभी तो मैं चाहता हूँ इसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं, वाइट है, लेकिन अगर मैं चाहूँ इसके बैकग्राउंड चेंज हो जाए तो यहाँ पे सॉलिड पे क्लिक करके इसका कोई भी बैकग्राउंड यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, एनीवन। ठीक है, यहाँ से मैं ओके कर दूंगा तो इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया। ठीक है, इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में फिर से आता हूँ और यहाँ से गाइडलाइंस कलर्स या प्रेजेंटेड गाइडलाइन कलर्स, ये इतने ज़रूरी नहीं है, ये जो आपके पास रूलर्स और ये चीज़ें आते हैं ये इतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप लोग देख सकते हो तो एक दफ़ा देख लेना, बट अदरवाइज टीचिंग वाइज को इसको नहीं सिखाते हैं तो इसको मैं स्किप ही कर देता हूँ। इसके बाद एक और चीज़ है, यहाँ आता हूँ, यहाँ से पेज साइज़ हमने पढ़ लिया, पेज लेआउट भी देख लिया है, पेज साइज़ आप लोग देखो वहीं के वही है, और फिर से आ जाओ तो पेज लेआउट भी वही है जिस तरह का पेज मैंने डिस्कस कर दिया, पेज बैकग्राउंड भी मैंने डिस्कस कर दिया। अगर आप पेज बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हो तो सिंपल आसान सा तरीका है, नो बैकग्राउंड पर क्लिक करके ओके कर ले तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पेज नेविगेशन पढ़ा और लेआउट कस्टमाइजेशन पढ़ा। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। और हाँ, बहुत ज़रूरी बात, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिए ताकि वो भी इससे कुछ फ़ायदा ले सकें।